नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हम सबको बताया जाता है और कहा जाता है कि हमें उत्तर दिशा में सिर रख के क्यों नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा में सिर रख के नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, कोई वैज्ञानिक आधार है, या ये बस सुनी सुनाई बात है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जैसा वास्तुशास्त्र में हिंदुस्तान में कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, चीन का जो वास्तुशास्त्र है जिसे फेंगशुई कहते हैं, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि इंसान को उत्तर दिशा की तरफ सिर रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी नींद आ नहीं सकती है, उसकी नींद डिस्टर्ब्ड रहेगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहेगा, सिर में दर्द हो सकता है। तो हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि इसका साइंटिफिक रीज़न है क्या। नींद इंसान के शरीर की एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इंसान को गहरी नींद की ज़रूरत होती है, और जब वो गहरी नींद में होता है तो उसके शरीर की खोई हुई एनर्जी उसको वापस मिलती है, बॉडी उसको रेस्टोर करती है और शरीर अगले दिन की काम के लिए तैयार हो जाता है। अगर नींद अच्छी नहीं होगी, बार बार वो बाधित रहेगी, तो इंसान अगले दिन उसको असर दिखाई देगा अपने शरीर पे भी और मन पे भी। आप और हम सब लोग पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण से परिचित हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, न्यूटन ने इसकी खोज की थी। इसी तरह ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि हर इंसान के शरीर का और इस पृथ्वी का, दोनों का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर इंसान का, सबका एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस पृथ्वी का भी मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम उत्तर दिशा की तरफ सिर रख के सोते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का और इंसान का एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं। एक दूसरे में जब वह इंटरफेयर करेंगे तो इंसान की नींद डिस्टर्ब होगी, उसका मन यानी उसका जो ब्रेन है वो शांत नहीं होगा, उसे अच्छी नींद नहीं आएगी, नतीजतन सिर दर्द हो सकता है। ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग या बीमार लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कहा गया है और माना गया है और प्रूवन है, साइंस बात करती है। दूसरा वैज्ञानिक कारण, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंसान के शरीर में जो खून होता है उसमें काफ़ी मात्रा में आयरन भी होता है। आयरन मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है, चुंबकीय आकर्षण के बारे में आप सब जानते हैं। तो जब उत्तर दिशा की तरफ हम सिर रख के सोते हैं, अब मैं आपको बता दूं, ज़मीन का, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उत्तर दिशा की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और थोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन अधिकांश वो उत्तर दिशा की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जब हम उत्तर दिशा की तरफ सिर रख के सोते हैं तो इंसान के शरीर में खून के अंदर, ब्लड के अंदर जो आयरन है वो ब्रेन में इकट्ठा होने की कोशिश करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और जब ब्रेन में आयरन का एक्युमुलेशन होगा यानी वो इकट्ठा होगा ब्रेन में, तो इंसान को गहरी और अच्छी नींद नहीं आएगी, उसकी वजह से उसे माइग्रेन रहने लग सकता है, वो चिड़चिड़ा हो सकता है,
उसका रक्तचाप ऊपर या नीचे हो सकता है। अर्थ ये है कि उसको एक साउंड स्लीप आएगी नहीं, ये इसका वैज्ञानिक कारण है। तो फिर सवाल ये है कि किस दिशा में सिर रखकर सोना सर्वश्रेष्ठ होता है। साइंस का ऐसा मानना है कि दक्षिण दिशा में अगर हम सिर रख के सोएं तो वो अच्छा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो असर है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर ईस्ट दिशा में यानी पूर्व की दिशा में सिर रखें और पश्चिम दिशा की वेस्ट की तरफ अपने पांवों को करें तो ये दिशा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, जिसकी वजह से आपको शांत नींद आएगी और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे और नींद गहरी भी आएगी और आपका रक्तचाप भी ठीक रहेगा। आयुर्वेद का ये मानना है, आयुर्वेद जो हमारे मुल्क का एक ट्रेडिशनल उपचार की पद्धति है, उसका मानना ये है कि प्रयास करना चाहिए, एक आदत डालनी चाहिए इंसान को कि वो बाईं करवट सोए। कुछ दिन के अभ्यास से ये आ जाता है, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। जब इंसान बाईं करवट सोता है, क्योंकि इंसान का हृदय भी बाईं तरफ है, तो ऐसा माना गया है, ऐसा बताया गया है आयुर्वेद में कि इंसान को नींद अच्छी आती है और रक्तचाप उसका ठीक रहता है और काफ़ी रोगों से हृदय संबंधी उसका बचाव हो सकता है। तो आज हमने चर्चा की कि जैसा बताया जाता है कि उत्तर दिशा में हमें सिर रख के क्यों नहीं सोना चाहिए। आज इतना ही। नमस्ते।